सुबह सुबह उठ के परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें दिल खुश कर देती हैं। 1 month 34 किलोमीटर्स ऑफ राउंड ट्रिप और माई बाईसाइकिल, एक नया चैलेंज लेके आ गया हूँ मैं। मोटरसाइकिल के ऊपर तो आप लोगों ने मेरी सोलो राइड देख ली है, चाहे वो खुंजराब का ट्रिप हो, चाहे वो कराची का ट्रिप हो, या चाहे वो बलोचिस्तान का ट्रिप हो, ऑल द वे टू गवादर। और अब एक नया चैलेंज देने जा रहा हूँ मैं खुद को, और ये चैलेंज होगा आप लोगों के लिए भी। मेरे लिए चैलेंज ये है कि मुझे डेली ऑफिस जाना है अपनी बाइसाइकिल के ऊपर। वन साइड की मेरी जर्नी बनती है 17 किलोमीटर्स और ये राउंड ट्रिप बन जाता है मेरा 34 किलोमीटर्स। सो इट्स ऑल अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स। सोलो राइड के अंदर मैं अपनी लिमिट पुश करता हूँ, तो अब ट्राई करने की बारी है इसकी। सो ये चैलेंज मेरे लिए नहीं होगा, ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी होगा। अगर आप लोगों के पास साइकिल है तो ये चैलेंज करें, एक्सेप्ट करें मेरा चैलेंज। अगर साइकिल नहीं है तो वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन इंसान अपनी काहली की वजह से वो चीज़ मिस कर देता है। जैसे अगर बॉयज़ के लिए देखें तो वो जिम जाना एक चैलेंज हो सकता है, लड़कियों के लिए डाइटिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है सबके लिए। तो यह चैलेंज आप लोगों के लिए भी है। सर्दी इंतहाई ज़्यादा है, टाइम हो गया अभी 6:55, 2 घंटे का मैंने आज का टाइम रखा है ऑफिस पहुँचने का। उम्मीद है कि 17 किलोमीटर में 2 घंटे के अंदर आराम से कर लूँगा। सो सर्दी के अंदर फोग के अंदर निकलते हैं रोड पे। ओहो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इस व्लॉग के अंदर। आई होप यू आर ऑल फाइन। मॉडल टाउन से निकल के फैसल टाउन में मैं आ चुका हूँ, और लिटरली अभी से मेरी थाइस को पता लग रहा है कि मैंने एक बड़ा पंगा ले लिया। जा बे, मेरे ग्लासेस में फॉग आ रही है एंड आई हैव टू फिक्स दिस इशू। अगर ऐसे में बातें करता रहूँगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। अब मिलते हैं आगे किनाल रोड के ऊपर। बाइक को अभी मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं कितने आराम से ऑफिस चला जाता था। मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज ये नहीं है कि साइकिल पे ऑफिस जाना है, एक चैलेंज ये है कि इस सामान को यहाँ पे कैरी करके साथ लेके जाना, ये मसला है। पहला दिन है, पहले दिन सामान ज़रा ज़्यादा होगा। अभी मैंने जो ऑफिस के शूज़ हैं वो भी मैंने इसके अंदर रखे हुए, लेकिन मैं जो ऑफिस के शूज़ हैं वो मैं ऑफिस में आज छोड़ दूँगा। कमर को और थाइस को रेस्ट देने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी देर तक रुकूँगा, और उसके बाद एक लंबा पैच आगे और है 7 किलोमीटर का। ओह, चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, टिल नाउ आई डिड बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट। 6.18 miles तकरीबन 50 मिनट के अंदर मैंने कर लिया। उम्मीद नहीं थी इतना मैं करूँगा, मैं अपने हिसाब से मैंने 2 घंटे का टाइम रखा था, लेकिन इतनी देर के अंदर मैंने काम कर लिया। ठोकर न्याज में क्रॉस कर लिया, तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रह गया मेरा ऑफिस, और उम्मीद है कि मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगा। रोड थोड़ी आगे ख़राब है, और रोड वो कितनी ख़राब है ये देखें अब आप आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई डिड इट। मुश्किल था, एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया। बंदे का कोई कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, ऑफिस के अंदर मेरे दिन का इख्तिताम होने जा रहा है। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से बहुत कम थकावट है। ये चैलेंज मैं अकेला नहीं कर रहा, मेरे साथ साथ रज़ा भी ये चैलेंज कर रहा है। रज़ा का जो ऑफिस का डिस्टेंस बनता है वो मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर वन साइड का है, तो 24 किलोमीटर रज़ा ने करने हैं,
रजा का दिन कैसा रहा, रजा से पूछते हैं। कैसे हो साहब? पहले दिन निकल तो आए, रास्ते में इधर रुका हुआ हूँ, क्या कहते हैं, रात स्टेडियम के पास, और अराउंड 15 मिनट हो गया मुझे अपने 15 सौ। पहला दिन है, लग पता गया, और इसके अलावा अभी जो आता रहता जब मैं मुझे ऐसे करना है पता नहीं, लेकिन अभी वो हो जाएगा जो पता नहीं। चलो भाई, ओके। सो ऑफिस में मुझे थोड़ा सा टाइम और गुजारना है, इसके बाद वापसी का सफर होगा घर के लिए, और उम्मीद है खैर खैरियत से इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। वापसी में चलते मिलते बात करते हैं फिर हम, ठीक है। हो हो, घर की तरफ वापसी का सफ़र जारी है, और अभी मैंने 4.43 माइल्स का एक लंबा पैच किया था, उसके बाद मैंने पीछे अपनी पहली ब्रेक ली, और अब गामजानूर जोहर टाउन की तरफ। जोहर टाउन से मैं थोड़ा ही दूर हूँ, किनाल व्यू सोसाइटी ये मैंने क्रॉस की है, और अब जोहर टाउन से थोड़ा सा पीछे हूँ मैं भी। बेसिकली राइट साइड में मेरा जोहर टाउन चल रहा है, जो जोहर टाउन का मोड़ आता है उससे मैं थोड़ा पीछे हूँ। रजा का भी वापसी का सफ़र जारी है, देखते हैं कि रजा भी कहाँ पे है। लें फिरोज साहब, अब मैं इधर आ गया हूँ, कज़ाकी पहुँच गया हूँ, ऑफिस से निकल आया था। पहला दिन था, उम्मीद तो था कि बहुत हैवी थकावट होगी, ऑफिस जाते हुए थकावट थी, अब वापसी पे अभी तक तो नहीं है, बाकी देखते हैं कि घर जाके क्या हालात होते हैं। ठीक है, अभी इधर बैडमिंटन खेल के फिर घर जाऊँगा। ले भाई शरोज, बैडमिंटन भी खेल लिया, ऑफिस से भी हो आए हैं, और ओवरऑल सारा कुछ कर कर आके थक कर के अब घर की तरफ। अभी तक खैर कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा खलियाँ पड़ गई हैं, अभी देखते हैं घर जाके क्या होता है। और आज का दिन तो बड़ा बेहतरीन रहा, ठीक है, बैडमिंटन भी खेली गई है, ऐसा नहीं है कि वो ना खेली गई हो। बाकी मॉल टाउन में हूँ, ये क्या कहते हैं, ए ब्लॉक के पास, बाकी घर की तरफ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली रीच्ड होम। जब मैंने आपको रजा का क्लिप सुनाया तो उसके बाद मैंने सिर्फ कैमरा बैग में रखने के लिए रुका हूँ, उसके बाद मैं सीधा घर आया हूँ। सो ऑफिशियली वापसी पे मैंने सिर्फ एक ब्रेक लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हालत इस टाइम गैर हुई भी थोड़ी, इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था कि मसला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर कर लिया। सही पंगा ले बैठूँ। ये पहन के जब जाता था ना, कोई मसला नहीं होता था। 20 मिनट या 25 मिनट मैक्स वापसी भी, हालांकि बहुत ट्रैफिक होती है, मैं फिर भी निकाल देता हूँ, क्योंकि बाइक तो लव है मेरा, और बाईसाइकिल से मैंने अपनी फिटनेस गेन करनी थी, मैंने लूज़ कर दी थी, तो मुझे गेन करनी है। सो इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं अपना DSLR बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं करूँगा तो वो भी मैं सिर्फ घर पे अगर कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं उसमें कर रहा हूँ, जो मैं सारी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं GoPro के ऊपर कर रहा हूँ। तो हो सकता नहीं बल्कि यकीनन क्वालिटी का काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि DSLR के अंदर वीडियो काफ़ी क्लियर होती है, इसके अंदर थोड़ी बस ठीक होती है, सही है। तो मुझे भी बॉडी को रेस्ट देनी है, डेली की डेली आके नहाना है, ज़रूरी है, पसीनों से मेरे कपड़े भरे हुए हैं इस टाइम। एक जो मसला है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला लग रहा है, वो ज़्यादा बाइक चलाने का मसला नहीं मेरे लिए, ना मसला ये है कि जो मैंने वेट रखा हुआ है ना शोल्डर पे, ये मसला है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया है कि मैं वेब डेवलपर हूँ, और लैपटॉप का मेरा सारा काम है, तो मुझे लैपटॉप घर पर भी ला के भी यूज़ करना है, लैपटॉप मुझे ऑफिस में भी ऑब्वियसली यूज़ करना है, सो ये एक बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह यूज़ तो हो जाऊँगा इसका मैं, इंशाल्लाह। सो उम्मीद करता हूँ मोटिवेशन आप लोगों को मिली होगी, और आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे अगले 30 दिनों तक इंशाल्लाह। 18 जनवरी से मैं ये चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, और 18 फेब तक मैं ये चैलेंज अपना लेके जाऊँगा, और अगर मैं कंप्लीट कर सका ज़िंदगी रही, मेरी कोशिश यही होगी कि 18 फेब को जब मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूँ, और जो मेरी लास्ट वीडियो आएगी उसकी मैं इख्तिताम जो होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो मैं आप लोगों के साथ करूँ, ये मेरा आइडिया है, अभी आगे का पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन आइडिया मेरा है। सो अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखें, खुश रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।